हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ये जो फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की इमेज। अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर नहीं इक्वल होगा तो वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें किस पे करना है, यहाँ पे जीरो है यानी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हम चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन की इमेज। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो माइनस इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स, इसमें चेंज होगा एच में, एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे यफ और यहाँ पे यक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम जीरो माइनस यच लिखेंगे, यहाँ पे जीरो माइनस यच हो जाएगा। अब देन यहाँ पे हो जाएगा लिमिट यच टेंस टू जीरो। अब एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे हम, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे दो है तो कौन सी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम, जहाँ एक्स की वो वैल्यू लेंगे जिसमें यक्स क्या हो, लेस देन जीरो हो। इसका फंक्शन क्या है, साइन एक्स अपॉन यक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन यक्स है, लेकिन यहाँ पे यक्स के प्लेस पे क्या है जीरो माइनस एच, मतलब माइनस एच और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में भी यक्स है तो अपॉन में भी क्या हो जाएगा एच के यक्स के प्लेस पे माइनस एच हो जाएगा। अब देन यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे माइनस है तो ये आगे आ जाएगा साइन एच और अपॉन में माइनस एच, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच। तो इसका फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, वन आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके प्लेस पे वन, बिना एच की लिमिट पुट किए हम इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पे वन, क्योंकि ये फार्मूला होता है, अगर कहीं भी लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। हमने क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू, अब यहाँ पे जीरो प्लस हो जाएगा, देन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, अब यहाँ पे यक्स एच में चेंज हो जाएगा एच टेंस टू जीरो एफ एक्स जीरो प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे एफ एक्स की वो वैल्यू रखेंगे जहाँ पे यक्स ग्रेटर देन हो, तो यहाँ पे यक्स क्या है ग्रेटर देन है, इसकी वैल्यू क्या है यक्स प्लस वन है, लेकिन यहाँ पे यक्स की प्लेस पे क्या है प्लस एच है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एच लिखेंगे यक्स की प्लेस पे, उसके बाद प्लस वन है। अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे एच की वैल्यू को जब जीरो रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा जीरो प्लस वन, दैट मीन्स क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया वन आ गया। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, फंक्शन की इमेज। तो फंक्शन की इमेज में हम कौन सा फंक्शन लेते हैं जहाँ पे इक्वल का साइन होता है, इक्वल का साइन कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसका फंक्शन क्या है एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन हो गया। हम किस पे चेक करें, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो यानी एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस वन क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की इमेज क्या आ गया, सब वन आ गया। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस हमने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।